नमस्कार सभी को। आज के इस सत्र में आपका स्वागत है। कुछ केस है तो बताइए दिलकश जी, पहले केस डिस्कस करते हैं। डॉक्टर दिलकश, यस मैम, नमस्ते नमस्ते। बोलिए, कोई केस है तो इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। मैम। फाइब्रॉइड में क्या करना चाहिए? किसमें? यूट्राइन फाइब्रॉइड हो जाए तो सही हो जाता है क्या? देखिए, फाइब्रॉइड की चिकित्सा में, देखिए फाइब्रॉइड यानी कोई भी ग्रंथि, यानी वहां पे कफवात जनित संप्राप्ति है। तो यस मैम, कफवात जनित संप्राप्ति के लिए हमें वात का शमन करना है और कफ के लिए रुक्षण लेखन चिकित्सा करनी है। तो लाइक आमतौर पर जैसे मैंने हमेशा से बताया है ग्रंथि को लेकर, तो ग्रंथि की चिकित्सा, तो ग्रंथि की चिकित्सा में इस प्रकार से आपको कफ को छेदन और कफ का रुक्षण कराने के लिए, कफ को कम कराने के लिए, वात का शमन कराने के लिए पहले हम लोग दीपन पाचन कराते हैं। फाइब्रॉइड के केसेस में अनुलोमन बहुत अच्छा काम करता है। अनुलोमन या विरेचन चिकित्सा बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो पहले मैम विरेचन तो मैंने करवा दिया, दीपन पाचन करके विरेचन करवा दिया है, तो अच्छा अब लाइन ऑफ और कोई ट्रीटमेंट क्या भी, दिया? अब सबसे पहले तो हमारे दिमाग से निकाल देना चाहिए कि थायराइड 1-2 महीने में कम होता है। थायराइड की ट्रीटमेंट कम से कम आपको 6 महीने तक करनी ही चाहिए और करनी ही पड़ेगी, तो ही जाकर कुछ बात बनेगी। ऐसे आप पेशेंट को भी वैसे कन्विंस करना चाहिए आपको कि एक फाइब्रॉइड में इतना समय तो देना ही पड़ेगा। मैम उसके मात्रा लिए बस्ती और उत्तर बस्ती कैसा रहता है इसमें? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करेगा। मात्रा बस्ती भी दे सकते। अभी देखिए फाइब्रॉइड के साथ साथ पेशेंट का मेंस्ट्रुअल पैटर्न कैसा है वो भी तो देखना चाहिए ना, उसके साथ ही आगे बात बनेगी ना। मैम केवल मेंथ मेंथ रेगुलर है और आता है तो 7 डेज रहता है, बस ब्लीडिंग थोड़ी ज्यादा होती है। ब्लीडिंग ज्यादा होती है तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा पित्त दोष का भी प्रकोप है, रक्त दुष्टि है, तो अनुलोमन करते हैं तो पित्त का शमन हो जाता है तो ब्लीडिंग कंट्रोल में आ जाती है। फाइब्रॉइड की साइज को देखते हुए फिर हम लोगों को जैसे शिग्र गुग्गुल है, कांचनार गुग्गुल है, वरुणादि कषाय है, ऐसे पुनर्नवा है, गोक्षूर है, ऐसे थोड़े से जो एक साइज श्रिंक करने में मदद करते हैं ना, लाइक शिग्रू बहुत अच्छा काम करता है, त्रिफला गुग्गुल भी काम करता है, दशमूलारिष्ट काम करेगा। बिकॉज फाइब्रॉइड जहां पर जब होगा तो कहीं ना कहीं ये अवरोध जनित संप्राप्ति है, तो अवरोध को कम, अवरोध के कारण ही कई बार पीरियड इरेगुलर होता है या आर्तव स्त्रोतस का जो एक प्राकृत कार्य होता है वो हो नहीं पाता है। बट यहाँ पर जैसे अगर आप टिपिकल कुछ केस के बारे में बोल रही है तो उस केस में उसका पीरियड नॉर्मल है और ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब पित्त का प्रकोप है, तो पित्त का प्रकोप कम कराने के लिए विरेचन ही काम करेगा। अच्छा, सो यू मे गो विद विरेचन चिकित्सा ओनली। यस मैम, मैं वही मैंने दवा में काचनार और नादी कषाय, त्रिफला और अर्घवर्धिनी दिया हुआ है। पहले चंद प्रभाव वगैरह चला हुआ था, कितने दिन तो दिया अभी मैम मैम अभी चल रहा है उनका। और एज क्या है पेशेंट का? एज वाइज 27 होगा, वर्किंग वुमेन है, 5 ईयर्स मैरिज को हो गया, अभी मतलब इनफर्टिलिटी ही है उनको। 1 साल से लोग कहीं और ट्रीटमेंट ले रहे थे तो फाइब्रॉइड का साइज अभी बढ़ गया है पहले से। अच्छा, ओके। तो मैम साइज वही बढ़ मैं गया, सोच रही थी, कई बार ना यस मैम शुरुआती ट्रीटमेंट में ना फाइब्रॉइड की साइज बढ़ जाती है और पहले फिर मतलब कहीं और ट्रीटमेंट ले रहे थे तो उससे बढ़ा हुआ है एलोपैथ में। तो मैम वही मैं सो बोल रही थी, वो मात्रा बस्ती या उत्तर बस्ती के लिए क्या यूज किया जाए उनके लिए? इसमें आप पित्त का प्रकोप लग रहा है, ब्लीडिंग ज्यादा है तो चंदन बला लक्षादि का प्रयोग करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। चंदन मतलब बला, हाँ अच्छा, चंदन बला लक्षादि तेल, अभी पत्ती कर चूरना, थोड़ा हल्का अनुलोमन इसके साथ काम करिएगा, अच्छी काम, अच्छा काम हो जाएगा, बात बन ओके। जाएगी बिल्कुल। अच्छा मैम, यूट्राइन कॉल्सिफिकेशन क्या होता है? कॉल्सिफिकेशन, यूट्राइन कैल्सिफिकेशन, पेशेंट के यस पेट मैम। में दर्द है क्या, क्या बोलता है हाँ, पेशेंट? लोअर लोअर एब्डोमेन में बता रही है मैम, और वो हाँ पहले वो कॉपर टी लगा हुआ था उसका, तो अभी रिसेंटली उसने निकलवाया, उसके बाद लोअर एब्डोमेन बता रही थी तो मेरे यहाँ आई, तो वही मैं यूएससी करवाई तो उसमें यूट्राइन कॉल्सिफिकेशन आया हुआ है। मैम बहुत लाइक ये अच्छा टॉपिक बताया आपने कैल्सिफिकेशन का, इसके ऊपर जरूर हम लोग डिस्कशन करना चाहेंगे। एक्चुअली कैल्सिफिकेशन यानी डिजनरेशन, तो ये यस मैम डिजनरेशन जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि इट इज लाइक कि एक अनयूजुअल वहां पे ग्रोथ होती है मानो, ग्रोथ। हाँ, और जो टिश्यूज होते हैं ये जम जाते हैं जिसके साथ ही फाइब्रॉइड बन जाता है। यस मैम, बाद में आगे चल तो नहीं फाइब्रॉइड हो देखिए, जाएगा जैसे फिर। जैसे एज होती है ना, एज के हिसाब से भी ये होता है, इट मे बी ड्यू टू एज। कई बार जब ये एंड लाइक इट इज लाइक एंडोमेट्रियोसिस हम कह सकते हैं, एडिनोमायोसिस कह सकते हैं, या कैल्सिफिकेशन के कारण भी पेशेंट को इनफर्टिलिटी डेवलप होती है, फाइब्रॉइड बनता है और यही फाइब्रॉइड जाकर आगे
इसमें इनफर्टिलिटी की सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कॉज बनता बनता है। तो इसीलिए 30+ होगा, उनके दो बच्चे भी हैं। तो अभी मैम मैंने कुछ पेशेंट्स देखा में ना लाइक मतलब सीजर के बाद और सीजर के टाइम पे भी देखा जाता है कि एडहेजन्स होते हैं, कैल्सिफिकेशन होता है काफी। तो मेरे विचार से इस एडहेजन्स कैल्सिफिकेशन ये एक प्रकार से धातु क्षय जनित ये है। इसमें हम लोग जैसे विरेचन या यूट्राइन फाइब्रॉइड की चिकित्सा करते हैं उसी के साथ ही हमको करना है। कई बार क्या होता है ना, अगर पेशेंट कैल्सिफिकेशन है और पेशेंट अगर कंस्यू करता है तो अधिक ब्लीडिंग होती है, तो मतलब एक अलग सा ये बन जाता है। ये अर्बुद के जैसे ही है, कैल्सिफिकेशन यानी डिजनरेशन धातु का क्षय ही है। इसमें आपको ना विरेचन कराकर, शोधन कराकर जो कैल्सिफाइड टिश्यू जम गए हैं उसको हम लोगों को लेखन करवाना है, उसको विरेचन, उसको हटाने के लिए आप विरेचन दे देते हैं। अगर ये हट जाते हैं, जैसे नॉर्मल टिश्यूज वहां पे डेवलप होने लग जाते हैं, तो उसके बाद इसमें रसायन चिकित्सा काम करेगी। तो मैम पहले दीपन पाचन देके विरेचन कराया जाए उनका। यस यस, दीपन पाचन विरेचन, आप इसमें ना योग बस्ती फिर ग्रोहन बस्ती का प्रयोग करेंगे। ओके, मैं आगे पूछूंगी फिर आपसे योग बस्ती कैसे देना है। योग बस्ती यानी अनुवासन और निरूह व्यत्यास में आपको देना है। जी। अच्छा मैम, खीर बला तेल किस यूज में आता है ज्यादा मोस्टली? खीर बला तेल, हाँ, किस यूज में ज्यादा किया जाता है खीर बला? पित्त प्रकृति में, पित्त में आपको ज्यादा यूज करना है खीर बला तेल। ओके। हाँ, और आप जैसे कैल्सिफिकेशन का बोल रही थी ना, जी। ये लाइक कैल्सिफिकेशन को ट्रीट कराने के लिए ना आपको एक प्रकार से मतलब क्या करेंगे हम लोग, कि वो वहां का जो भी क्लेद है जम गया है उसको निकालना है, तो वो निकालने के लिए विरेचन ही काम करेगा। सो आई सजेस्टेड विरेचन ओनली। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, और कोई डिस्कशन? और ये कई बार ना जो अगर आपका मतलब ये बन जाता है हार्ट में वगैरह कैल्सिफिकेशन बन जाता है, तो कहीं ना कहीं वो हार्ट अटैक वगैरह का भी संभावना वहां पे इसके साथ ही। यस मैम, पीसीओडी के केस में हाँ बोलो बोलो मैम, पीसीओडी के केस में मात्रा बस्ती के लिए सहचरादि तेल वगैरह कैसा रहेगा? पीसीओडी में सहचर अच्छा रहता है, वहां पे ये भी काम करता है, शतपुष्प तेल अच्छा काम करता है, इवन धन्वंतर तेल का काफी अच्छा है। पीसीओडी में दो प्रकार है ना, लीन पीसीओडी एंड थिन ओबेस पीसीओडी। लीन अगर है तो वहां पे बला तेल, फिर आप लाइक थोड़े बलवर्धक तेलों का प्रयोग कर सकती है, बला, अश्वगंधा, गुरुचादी तेल। और लीन अगर टाइप का होता है तो उसमें, और फिर अगर आपको ओबेस है तो उसमें सहेचे और इसका शतपुष्प का तेल अच्छा काम करेगा। और धन्वंतर धन्वंतर भी अच्छा काम करेगा, धन्वंतर कफ संप्राप्ति में धन्वंतर अच्छा काम करता है। ओके मैम। यस, और पूछिए। लाइक आज मैंने कुछ टॉपिक रखा नहीं क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस चल रही है ना, तो मैं बिजी थी, बट लाइक मुझे लगा भी कल भी संडे है तो कोई केसेस अगर होते हैं तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, इसीलिए मैंने सोचा चलो थोड़ी देर चर्चा कर लेते हैं। आप कहाँ से प्रैक्टिस करती है? मैम मैं बिहार में हूँ। अच्छा, बिहार कौन से एरिया बिहार, में? सिवान, सिवान। अच्छा, वहां पे है आप, सिवान में है। ओके ओके, यस मैम। अच्छा, वहां पे वही के कॉलेज से पढ़ाई की है? यस मैम, यस मैम, यहीं से। अच्छा, वहां पे डॉक्टर यादव करके है ना पढ़ाने के लिए शल्ले में? जो गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं सर। अच्छा, पता नहीं, फिर ठीक है, बाद में बात करते हैं। और इसमें देखिए हरिद्राखंड भी अच्छा काम करता है, आप इसमें हरिद्राखंड भी मैनेजमेंट में काम करता है, तो उसको भी प्रयोग में ला सकती है फाइब्रॉइड के लिए। अच्छा, फाइब्रॉइड में। हाँ, यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए कैल्सिफिकेशन एक तरफ से वही है डिजनरेशन। यस मैम। कभी कभी कुछ कैल्सिफिकेशन हार्मफुल होते हैं, कभी कभी वो ये एक्चुअली हार्डनेस है, तो इसमें मांस उपाचक का भी रोल रहेगा। ये अगर यूटरस में है तो इट्स ओके, बट अगर इस प्रकार का कैल्सिफिकेशन कहीं हार्ट में, मायोमेट्रियम में अगर हो जाता है तो वो थोड़ा सा लाइक मतलब अनकॉमन ही है वैसे तो। यस मैम। और पेन इसमें होगा पेशेंट को, और बाकी कई जगह पर हो जाता है तो फिर एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह ऐसे होता है।
एंड दिस एक्चुअली ये कहीं ना कहीं डिजनरेशन यानी वात का प्रकोप है जी मैम. एक्चुअली मेनोपॉज में ना कैल्सिफिकेशन ज्यादा होता है, एट द एज इंक्रीजेस दिस कैल्सिफिकेशन आल्सो इंक्रीजेस. मुझे भी वही लग रहा है मैम, पेशेंट के एज के हिसाब से. यस बिल्कुल, पेशेंट के एज के हिसाब से ये बढ़ जाते हैं. या तो इसमें इसी प्रकार का मतलब लाइक कभी यूरिनरी इनकंटिनियंस होता है, और फिर लाइक इन कॉन्स्टिपेशन का भी इश्यू हो सकता है, फिर बैक पेन है, और यूरिन फ्रिक्वेंसी बन जाती है, वो भी ऐसे भी कुछ सिम्टम्स होते हैं. ओके अच्छा, और कोई? और अभी कुछ तो है नहीं मैम. एजियोस्पर्मिया पे कुछ बता दीजिए. एजियोस्पर्मिया का? यस मैम, क्योंकि यहाँ बहुत पेशेंट और यहाँ आयुर्वेद से मैम ना बहुत कम लोग हैं. अच्छा, तो अभी जो मतलब कुछ पेशेंट ठीक हुए हैं मेरे, तो अच्छा. लोग बताते हैं किस तरह के साथ हैं. अभी 2 मिलियन वाला एक पेशेंट था, तो कंसीव हो गया उसको, अभी बेबी हुआ है. मैम इसमें भी ना एक्चुअली बस्ती बहुत पंचकर्म ही काम. आपको इसमें क्या करना है ना, देखिए आपको इसमें भी शोधन करवाना है. एजियोस्पर्मिया के ट्रीटमेंट प्लान में भी वही रहेगा आपको, कि आप इसमें हल्का माइल्ड विरेचन लेकर दीपन पाचन कराकर विरेचन मतलब शोधन करना है. देखिए स्पर्म काउंट को बढ़ाना है, यानी शुक्र धातु को तैयार करना है. तो शुक्र धातु को तैयार कराने के लिए पहले आपकी अग्नि और काफी सारी बातें भी ठीक होनी चाहिए ना. वो अगर ठीक होती है तो सारे धातु अच्छे बनने लगते हैं. इसीलिए शुक्र धातु को फिर पहले आपको उसकी क्वालिटीज पर और फिर मॉर्फोलॉजी पर सभी के ऊपर काम करवाना है. ऐसे करते करते वहां पर एजियोस्पर्मिया के लिए फिर शतावरी, अश्वगंधा है, कपी कछु बहुत अच्छा है, मूसली पाक काम करता है. इसमें पेशेंट को भरपूर दूध मक्खन खाने को दीजिएगा, मूसली पाक दीजिएगा, एंड इसमें विदारी कंद बहुत अच्छा काम करेगा. फिर लाइक बाकी शतावरी जैसे तो हर्ब्स यही, पर जीवनी रोहिणी द्रव्य बहुत अच्छे काम करते हैं इसमें. शीन शुक्र यानी धातु क्षय, तो धातु का बल बढ़ाइएगा. इसमें वाजीकरण के जो भी कल्प है सारे, कपी कछु बहुत अच्छा है, मुसली पाक है, अम्ल पाक है, बादाम पाक भी दिया जा सकता है, ऐसे कई कल्प है. शिलाजित भी काम करता है, शिलाजित वटी है. बट मेरे विचार से आप जब भी एजियोस्पर्मिया या ऐसे केसेस का विचार करते हैं ना, तो उसमें शोधन करवा कर ही काम करिएगा. ओके मैम. क्या यूज करती है मैम? मोस्टली मैं वही, यहाँ तो कुछ मिलता नहीं है ज्यादा मेडिसिन. तो जब से आपने बताया विरेचन वगैरह करा के हल्का अनुलोमन एरंड तेल वगैरह से दीपन पाचन करके, और उसके बाद उस करके, और मैं वही अश्वगंधा, सतावरी, मूसली और कोच पाक. यस, कोच पाक भी काम करता है, बिल्कुल अच्छा काम करता है. yes, मिक्स yes. करके, और बाकी पुष्प धनवा और बीज पुष्टि आता है धूत प्रोफेसर का. तो इससे मेरे को अभी तक बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है. अभी तक जितने भी आए हैं पेशेंट, चाहे उनका 10 और फिर कैसे ना बला यापन बस्ती करके है, वो भी दे सकते हैं. यापन बस्ती दी जाती है, ब्रोहन बस्ती दिया जा सकता है. काफी सुंदर तरीके से ये होता है. और सिंपल बला यापन बस्ती कैसे देते हैं? बला यापन बस्ती मतलब जो ये है ना लाइक बला, अश्वगंधा तेल आदि सब कुछ डालकर उसमें ये दिया जाता है. मैं इसका जो पूरा प्रोसीजर, इसके कंटेंट्स मैं आपको शेयर करती हूँ. बला यापन बस्ती का एक बार मैंने पढ़ाया था. बला यापन, यापन यानी लाइक जरा नाशन है ना, वो जरा को कम करता है. ओके. इसमें सारे वही टाइप के होते हैं. यापन बस्ती एक, इसको राज यापन बस्ती भी कहा है. मतलब जैसे अच्छा जीवन और लॉन्गेविटी के लिए ये यूज में लाया जाता है ज्यादा से ज्यादा. अच्छा, लॉन्गेविटी एक बार शेयर कर दीजिएगा इसको डिटेल में. इसको मैं हाँ इसका डिटेल में शेयर कर देती हूँ. ये बहुत अच्छा काम करेगा. रसायन रिजुवेनेशन, धातु का बल बढ़ाएगा. आप इसमें जैसे धातु बल बढ़ाने वाले द्रव्य डाल सकते हैं. एक क्षीण शुक्र और इस प्रकार की शुक्र दृष्टि के सभी इसमें केसेस में यूज किया जा सकता है. क्या पंद्रह एक आप कम से कम 15 से 20 टाइप इसको दे सकते हैं. इसमें क्या क्या कंटेंट्स है तो देखिए लाइक अभी सेंधो हनी और घृत तो है ही, कोई भी आप इसमें घृत ले सकती है अपने इसके विचार से. कल्क के लिए जो थोड़ा संशमन करे दोषों का, प्रकृति देखकर यष्टि मधु है, प्रियंगु है, लक्षत पुष्पा है
ऐसे जो काम करते हैं ना, तो वो कल्क द्रव्य यस हम लोग इसमें डालते हैं, पित्त का शमन करने वाले, रक्त मांस को बढ़ाने वाले, ऐसे थोड़ा। फिर इसमें मांस रस भी डाला जाता है, तो मांस रस डालकर तर्पण करते हैं ना मांस रस ये, एंड वात पित्त का शमन भी करेगा, हृदय बुद्धि को भी अच्छा रहता है। सो ये फिर सभी का काढ़ा बनाकर हम लोग इसको, मदन फल भी डाल सकते हैं इसमें पूरा, ये सभी से मतलब ये सब उसी प्रकार की बस्ती है। इसमें थोड़े कंटेंट अलग है जो मांस धातु का वर्धन करते हैं, शुक्र का वर्धन करते हैं, दोषों का शमन करते हैं, दैट इज इट। अच्छा और दूध में डालकर इसका काढ़ा बनाकर ही इसको बनाया जाता है। ओके। जी मैम, और ये वात का आवरण कम करता है, यापन बस्ती ये वात का आवरण कम करता है, आवृत्त वात के लिए स्पेशली इट इज एडवाइज्ड, पित्तावृत्त वात के लिए। ओके हाँ ठीक है, चलिए जी, और कुछ हो तो बताइएगा। लाइक फिर मुझे यस लगता है मैम, यस आज आपके साथ ही अच्छा डिस्कशन हो गया। यस बाकी ज्यादा मैम, ठीक फिर हम नेक्स्ट सेशन में मंडे से फिर है मैम, थोड़े ठीक टॉपिक है, पे काम करते रहे। ओके, नमस्ते मैम। नमस्ते फिर।